दिल्ली से सटे यूपी के नोएडा में एक कार में भीषण आग लग गई, जिसमें उसमें बैठे एक युवक युवती बुरी तरह से झुलस गए। सूचना मिलने पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने किसी तरह आग पर काबू पाया और दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। नोएडा फायर विभाग की तरफ से दी गई सूचना के मुताबिक शाम करीब 6 बजे कार जो दिल्ली से आम्रपाली की तरफ जा रही थी, जिसमें नोएडा के सेक्टर 51 के पास होशियारपुर में आग लग गई। कार में सवार एक युवक और युवती झुलस गए, जिन्हें शिवालिक अस्पताल में एडमिट कराया गया है। बाद में फायर ब्रिगेड की सहायता से आग को बुझा दिया गया। शुरुआती जांच में जानकारी मिल रही है कि सीएनजी सिलेंडर के फटने की वजह से कार में शॉर्ट सर्किट हो गया और इस वजह से आग लग गई। पुलिस और फायर विभाग को स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना दी, जिसके बाद पहुंची फायर विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। नोएडा पुलिस ने बताया कि फिलहाल मामले की जाँच की जा रही है। बताया जा रहा है कि होंडा अमेज गाड़ी में आग लगी है और इसमें लगे सीएनजी सिलेंडर की वजह से आग पूरी गाड़ी में फैल गई। कार को रास्ते से हटाया गया और यातायात को सुचारू रूप से संचालित किया गया।